गोरखपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां गोरखपुर की ओर से आ रहे मजदूरों से भरा मैजिक ट्रक से टकरा गया। हादसे में देवरिया निवासी ट्रक चालक और वाराणसी निवासी एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि मैजिक सवार एक मजदूर ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में ट्रक के दो खलासी और मैजिक सवार चार अन्य मजदूर घायल हो गए। बता दें कि आजमगढ़ की ओर से एक ट्रक गोरखपुर की ओर जा रहा था, वहीं मजदूरों से भरा मैजिक गोरखपुर की ओर से वाराणसी जा रहा था। तभी जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अशरफपुर बॉर्डर पर दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। देखिए, बीती रात में एक ट्रक और मैजिक के बीच में टक्कर हुई थी। रात कोहरा भी काफ़ी था और संभवतः इसी कारण दोनों में टक्कर हुई। लोडेड ट्रक था जो मॉर्निंग से भरा हुआ था और मैजिक में गोरखपुर से भट्टे के मजदूर जो कि बनारस जा रहे थे वो लोग थे। इसमें तीन लोगों की मृत्यु हुई है, एक ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हुई और दो मैजिक में जो सवार थे उनकी मृत्यु हुई है। बाकी लोग सभी को बनारस वाराणसी भेजा गया है और वहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं, सभी का समुचित इलाज। बता दें कि मैजिक सवार सभी मजदूर गोरखपुर में एक मकान का निर्माण कर रहे थे और वो मजदूरी कर अपने गांव वापस जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से पितेश्वर कुमार की रिपोर्ट।